आपके साथ रुशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्मार्टफोन, स्मार्टफोन है ना, ना जाने किसनों के काम आसान कर देता है, ना जाने कितने काम आसानी से हो जाते हैं इस फोन की वजह से। जहां एक तरफ हमारी जिंदगी आसान होती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसके दुरुपयोग भी है। कई ऐसे किस्से हम लोगों के सामने आ चुके हैं जो स्मार्टफोन की वजह से हुए हैं। ऐसा एक ताजा मामला राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां एक लड़के ने अपनी माँ की हत्या सिर्फ इस बात पर कर दी कि उसकी माँ उसे पबजी गेम नहीं खेलने देती थी, उसे गेम खेलने से मना करती थी। वही सनसनीखेज पबजी हत्याकांड में जांच और पूछताछ के बाद कई पहलू खुलकर सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक लड़के के मां की हत्या की साजिश 10 दिनों पहले ही कर लिया था और यूट्यूब की मदद से हथियार चलाने का वीडियो देखा था। वही ये मामला कोई सनक में नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत किया गया। जानकारी के मुताबिक बेटे ने पिस्टल चुराने के लिए नकली चाबी भी बनवाई, साथ ही आरोपी बेटे ने मां पर पिटाई करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस से पूछताछ में उसने ये कहा है कि उसकी मां उसकी पिटाई करती थी। बता दें कि पीजीआई कोतवाली के पंचम खेड़ा का यह पूरा मामला है। जहां एक तरफ कोविड के मामले सामने आ रहे, तो वही लखनऊ में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। पबजी गेम के लिए बेटा बना है वान। पबजी खेलने से रोकने पर अपने ही मां की ली जान। हत्या के बाद 3 दिन तक शव को घर में छुपा कर रखा। छोटी बहन को धमकाकर दूसरे कमरे में बंद किया। दुर्गंध आने पर बेटे ने पिता को दी हत्या की जानकारी। लखनऊ में हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां पर एक बेटे ने मात्र पबजी खेलने के लिए अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। जहां बच्चे मां को पूरी दुनिया मानते हैं, पूरा संसार मानते हैं, इस बीच ऐसी घटना सामने आई है जहां पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है बच्चों के मेंटल हेल्थ पर। आखिर क्या वजह रही है? सिर्फ पबजी खेलने की वजह से तो नहीं एक बच्चा अपनी मां की हत्या कर देगा। तमाम बच्चे हैं जिनकी माएं उन्हें गेम खेलने के लिए मना करती हैं और बच्चे मानते भी हैं, लेकिन जिस तरह से सनसनीखेज घटना सामने आई है कि अपनी छोटी बहन को उसने दूसरे कमरे में बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो घटना को छुपा सके, और जब दुर्गंध आया तब बेटे ने पिता को हत्या की जानकारी दी। इतनी हिम्मत एक 16 साल के बच्चे में, 10th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे में आ कहां से गया? ये मामूली कोई मामला नहीं है जिसे हम आसानी से समझ रहे हैं। वही इस मसले पर, बच्चों के मेंटल हेल्थ और कहीं ना कहीं हमारे परवरिश पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेहा आनंद जुड़ चुकी हैं, जो मनोवैज्ञानिक है। नाहिद अकील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। नेहा आनंद जी, जिस तरह से घटना सामने आई है, किस तरह से आप इसको देखती है एक मनोवैज्ञानिक होने के कारण? एक अलार्मिंग घटना है जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि आखिर युवा और किशोर किस दिशा में बढ़ रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज किस हद तक एक दूसरे पैंडेमिक का रूप ले रहे हैं, जहां पे इस हद तक एक बच्चा, एक किशोर जा सकता है कि वो अपनी ही माँ की हत्या कर दे। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि मानसिक रूप से अगर हम क्लियरली देखें, विक्षिप्त नहीं है तो कोई बहुत हेल्दी स्टेट भी नहीं रही होगी मेंटली, जो लड़के ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया। अगर हम सीधी सी भाषा में कहें तो मोबाइल गेमिंग हो या कोई भी अगर ऐसा गैजेट बच्चे जो यूज़ कर रहे हैं, वो किसी भी नशे से कम नहीं है, वो कोकेन से कम नहीं है, स्मैक से कम नहीं है। तो अब इसको अगर हम देख लें कि ब्रेन में किस तरीके के चेंजेस आते हैं जो कि शायद दिखते नहीं हैं, तो हम इस बात को शायद कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो बच्चा है, फ़ोन यूज़ कर रहा है, कुछ यूट्यूब पे देख रहा है, बट इसमें पेरेंट्स को बहुत अर्ली स्टेज पे सुपरवाइज करने की ज़रूरत है, देख रेख की ज़रूरत है कि पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चा कितनी देर और क्या यूज़ कर रहा है।
पबजी की अगर हम बात करें तो पिछले साल से कुछ समय पहले ये एक केस आया था जिसमें एक किशोर को पबजी खेलते खेलते ही कार्डियक अरेस्ट आ गया था, हार्ट अटैक हो गया था। तो जब ब्रेन को ओवर स्टिमुलेशन मिल रहा है, डोपामिन अत्यधिक रिलीज हो जाता है खेलने से, जिसको हम एक प्लेजर हार्मोन बोलते हैं, और इसके कारण अगर वो रश ब्रेन में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, तो कई बार उस कैपेसिटी, उस स्टिमुलेशन को हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जैसा कि इस केस में हुआ कि बच्चे को हार्ट अटैक हो गया खेलते खेलते। तो ये चीज़ें कुछ बहुत अलार्मिंग हैं जो शायद अब वक्त आ गया है कि इसको हम नज़रअंदाज ना करें और मेंटल हेल्थ इशूज़ को समझें कि एग्जैक्टली गेमिंग का एडिक्शन भी किसी नशे से कम तो नहीं है। जी बिल्कुल नाहिद अकील जी, किस तरह से इस घटना को आप देखती है? जिस तरह से बच्चे से जब पूछताछ की गई, उसके पिता ने उससे बात की, तो बच्चों में कोई रिग्रेट नहीं है, बच्चे का कोई रिग्रेट नहीं है अपनी माँ के हत्या करने पर, किस तरह से देखती है इस पूरे वाक्या को आप? देखिए, किसी भी देश के लिए डिजिटलाइजेशन अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। सवाल ये पैदा होता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आज पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है, अगर हमारे आईटी मिनिस्ट्री की गलती है कि इस सारे गेम को वो कंट्रोल नहीं कर पा रही, बैन नहीं कर पा रही, तो उतनी ही लगभग पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी आजकल है और गलतियां। अगर आप देखें, आज हर घर में थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे के पास भी अपना पर्सनल मोबाइल है। ठीक है, प्रॉब्लम थी देश में कोविड की, दो साल सारे बच्चों ने मोबाइल से ही पढ़ा लिखा, लेकिन आप पेरेंट्स हैं, आपका अपने बच्चों पर कंट्रोल कितना है? आज थर्ड क्लास के एक घर में जितने बच्चे उतना मोबाइल है, और फिर आप उस पर कितना चेक कर रहे हैं। जिस एक तरह का देश में एडिक्शन होता चला जा रहा है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े हो। आज फेसबुक को लेख लीजिए आप, बड़े एडिक्ट थे पूरी तरीके से, उनको नींद नहीं आती अगर 100 और 1000 लाइक ना मिले तो। तो इससे पूरे देश को कैसे निकाला जाए? मुझे तो लगता है एक नई तरह की थेरेपी की जरूरत है देश में, कि लोगों को पहले मोटिवेट किया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए कि भाई से उभरिए, आपको अगर ने इंटरनेट का इस्तेमाल करना तो कितनी देर करना है, आपको जरूरत कितनी देर की है, फेसबुक पे क्या दिन भर चिपके रहना है, गेम्स के साथ क्या दिन भर चिपके रहना है, या फिर आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों ही चीजें गलत है। हालांकि ये जो हुआ है लखनऊ में बच्चे ने किया है, ये बहुत दुखद है, लेकिन ये पहला केस नहीं है भारत का, इससे पहले केसेस हो चुके हैं। तो उससे हमने लेसन क्या लिया? ना पेरेंट्स लेसन ले रही है और ना ही हमारी गवर्नमेंट लेसन ले रही है कि इससे बैन होना चाहिए और कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। जिस चीज की जितनी जरूरत है उसका इस्तेमाल भी उतना ही। एक्सेस किसी भी चीज की नुकसानदेह होती है, चाहे वो आज गेम हो या फिर आईटी सेक्शन का बात ले लीजिए, कि जिस तरह से मोबाइल का उपयोग और योग दोनों हो रहा है, तो दोनों चीजें गलत है, मेरा यही कहना बिल्कुल, है। बिल्कुल नाहिद अकील जी, जिस तरह से आपने आईटी पे सवाल उठाया, मेरा भी यही सवाल है कि जब पबजी बैन हो चुका है सालों पहले, तो किस तरीके से, आखिर वो कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो नहीं बैन किया जा रहा है, जिसके जरिए बच्चे अभी भी पबजी खेल रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठ के सामने आता है, ऐसे एक गेम था ब्लू व्हेल जिसके जरिए कई लोगों की जान गई थी, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, निशान खड़ा करता है मंत्रालय पे कि बैन करने के बाद भी आखिर किस तरह से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गेम बच्चे खेल रहे हैं। भाई, अपनी सीमाओं का कोई वो नहीं है। आज डिजिटल युग में पूरी दुनिया सेकंडों में सारी बात जान जाती है, तो आपके देश की सीमा के भीतर, या आज जो और भी केसेस चल रहे हैं, चाहे वो आज नुपुर के बयान को लेकर के या कुछ भी, ये मान लीजिए हमारे देश के भीतर उसने बयान दिया, आप अपने ढंग से हैंडल कर लेते, लेकिन ये हमारा कंट्रोल नहीं है ना कि हमारी सीमा के अंदर ही हमारी चीजें रहें, क्योंकि सरकार ही आईटी का भरपूर तरीके से दुरुपयोग कर रही है, तो कंट्रोल किस पे लगाएगी? बिल्कुल नेहानंद जी, जिस तरह से बच्चे ने पहले अपनी माँ को मौत के घाट उतारा, उसके बाद अपनी छोटी बहन को, जो मुझे लगता है 9-10 साल के लगभग होगी, उसको भी 3 दिनों तक उस हत्या को छुपाने के लिए उसने मोटिवेट किया, और उस बच्ची ने भी हत्या छुपाया, किस तरह से देखती हैं आप इसको? ये नॉर्मल हत्या नहीं है, क्योंकि 10-9 साल की बच्ची माँ को इतने दिनों तक मृत नहीं देख सकती है। जी
देखिए, सबसे पहली चीज तो ये वाकई कोई नॉर्मल एपिसोड तो नहीं है। 10 साल हो या 15-16 साल का बच्चा हो, यदि नॉर्मल बच्चे होते हैं तो उनमें जो इमोशंस होते हैं, जो भाव होते हैं, वो एक रेगुलेटेड तरीके से, जिसको हम इमोशन रेगुलेशन बोलते हैं, उसमें डर भी होगा, उसमें गुस्सा भी होगा, लेकिन एक नॉर्मल उस पर होगा। इस केस में अगर हम इस लड़के की बात करें तो इमोशन रेगुलेशन शायद नहीं रहा होगा बच्चे में, क्योंकि जब इमोशंस की कमी, जिसको हम अपनी मनोवैज्ञानिक की भाषा में बोलते हैं, मनोविज्ञान की भाषा में अपैथी, अपैथी का मतलब ये कि सामने वाला कितने पीड़ा में है, उस इमोशंस का बहुत ज़्यादा उजागर ना होना उस परिस्थिति में। और उसने अपनी बहन पे भी उस समय उसको भी डराया धमकाया कि तुम अगर बताओगी तो मैं तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा करूँगा, तो वो बच्ची डर के मारे कुछ बता नहीं पाई। अब ये अचानक से नहीं होता है ऐसा। इस बच्चे, कहा ये भी जा रहा है कि बच्चा एग्जाम्स के रिजल्ट आए और उसमें फेल हो गया था, तो ये कुंठा कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर बहुत समय से रही होगी। उसका एक आइडेंटिटी फॉर्मेशन का टाइम, बच्चों का जो किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं, उसकी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस रही होगी। बच्चे का एडजस्टमेंट इशू माँ के साथ था ही, जो अमूमन इस अवस्था में हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं यही कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि इस उम्र में एडजस्टमेंट पेरेंट्स के साथ नहीं होता है, क्योंकि ये जो एज होती है 15-16 साल की एज होती है, ये बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस चाहते हैं। अपनी इंडिपेंडेंस के आगे और स्पेस के आगे ये किसी को भी नहीं देखते हैं, चाहे माता पिता क्यों ना हो। अच्छा, इसमें और भी पहलू यदि हम थोड़ा और शायद आगे देखना चाहें तो देख सकते हैं कि बच्चे की कंपनी कैसी थी, कैसे लोगों के साथ रहता था, कैसे दोस्तों के साथ उठता बैठता था। सावधान इंडिया, कई जगहों पे मैंने ये भी पढ़ा कि ये बच्चा क्रिमिनल चीज़ों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखता था। तो क्या कॉन्टेंट, वो बच्चा इस उम्र में कौन सा बच्चा किस किस कॉन्टेंट की खुराक ले रहा है। भाई, हम खाना खाते हैं तो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ब्रेन और माइंड के लिए भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन होता है। जिस तरीके के इंफॉर्मेशन से बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सपोज होता है, वो उसी तरीके की सोच रखता है, उसी तरीके के भाव उसमें पैदा होते हैं, उसी तरीके का व्यवहार आता है। तो कहीं ना कहीं इस बच्चे की अगर पूरी हिस्ट्री को हम असेस करके देखेंगे तो यहाँ पर्सनैलिटी इशूज़ भी निकलेंगे। हो सकता है इसमें ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर हम एक कैटेगरी रखते हैं, जो बच्चा जब 8 साल का होता है तभी से ये लक्षण देखने में आ जाते हैं। ऐसे बच्चे जो ODD के शिकार हो जाते हैं, उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है, टैंट्रम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चिड़चिड़ापन, इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है, सोशल जो भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो ऐसी चीज़ों को मानने से इनकार कर देते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ों से आर्ग्यूमेंट करना, बहसबाजी करना, गाली गलौज करना, ये बहुत छोटी उम्र से दिख जाता है। शुरुआत चोरी से भी हो सकती है, घर में कई बार पर्स से पैसे गायब हो जाना या कुछ ऐसे वैल्यूएबल्स चोरी कर जाना, तो ये डिफाइंड डिसऑर्डर की तरफ भी इशारा कर रहा है। अगर मैं अपने दृष्टिकोण से देखूं, अगर इस केस में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये बच्चा, मैं शायद ये कह पाऊंगी कि बहुत नॉर्मल पैरामीटर्स नहीं देखे जा रहे हैं इस केस में। जी नहीं, देखिए जी, जिस तरह से जब पूछताछ किया गया पुलिस के द्वारा, तो जो लड़के के पिता है, जो सेना में है, वो घर है, उन्होंने कहा कि मैं कोई सजा नहीं दिलवाना चाहता अपने बेटे को, हालांकि नाबालिग है, पॉस्को एक्ट के थ्रू जो भी कार्रवाई होगी होगी, पिता भी सजा नहीं दिलवाना चाहते अपने बच्चे को। किस तरह से देखते, और कहीं ना कहीं कितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की भी बनती है कि बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे कदम उठाए जाए, अवेयरनेस के लिए कई मुहिम चलाए जाए। नाहिद अकील जी, शायद कुछ तकनीकी खराबी के कारण नाहिद अकील जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही है। नेहा जी, जिस तरह से इस बच्चे ने इस घटना को अंजाम दिया है, आप पहले से ही कार्य कर रही हैं विमेंस के लिए, यही अगर बच्चों की बात किया जाए तो कितना इफेक्ट बच्चों पर माँ बाप की आपसी लड़ाई का पड़ता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की लड़ाई को देखकर बहुत अपसेट हो जाते हैं, उन्हें मेंटल प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमारे गवर्नमेंट को भी कितनी जरूरत है कि किसी तरह की मुहिम चलाया जाए कि जिस तरह से तमाम तरह ब्लड डोनेट को लेकर के मुहिम चलते हैं, कैंसर को लेकर के चलते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी इस तरह के शिविर लगाए जाने चाहिए। बिकॉज देयर इज वन मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री नेहा जी, कि लोग मेंटल प्रॉब्लम को
बताने से डरते हैं, अभी भी लोग उसको बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं कि लोग उनपे क्वेश्चन खड़े करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे, तो कितना इसको और ओपन बनाने की जरूरत है कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में भी ओपनली बात कर पाए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो जान पाए कि उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है। देखिए, आज भी हम जब कह रहे हैं कि हम मार्स पे पहुंच गए हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को पागलपन से जोड़ा जाता है, ये एक टैबू है। और कोई भी समाज में जब एक समय था जब HIV एक स्टिग्मा था, लेकिन फिर सरकार ने बहुत सारी मुहिम चलाई, बहुत एडवर्टिजमेंट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से ये बात घर घर पहुंचाई गई। तो आज हम कह सकते हैं कि HIV के बारे में सबको पता है, लेकिन मेंटल हेल्थ अगर हम पैंडेमिक की को इसको पैंडेमिक कहें तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड होगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज एक्चुअली पागलपन ही नहीं, जितने भी आज की डेट में हमारा सर्वाइवल ही मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के, अगर हम नहीं समझेंगे इस बारे में तो ऐसी आए दिन घटनाएं और होती रहेंगी। दूसरी चीज यहाँ पे बात आती है अभिभावकों की, यानी कि पेरेंट्स की बात आती है। तो बच्चा जिस परिवेश में पलता बढ़ता है, जिस परिवेश में रहता है, माता पिता का रिलेशनशिप कितना कॉर्डियल है, कितना अच्छा रिलेशनशिप है, वो किस तरीके की भाषा यूज करते हैं, अच्छा पेरेंटिंग स्टाइल का क्या है, क्योंकि हम पेरेंटिंग स्टाइल को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में बता रहे हैं कि माँ मारती थी। तो अगर तीन तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, और अगर यहाँ पे बहुत अथॉरिटेरियन रही होगी, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से इम्पोज करना अपनी बात को कि मैं बोलूँ उठो तो उठो, मैं बोलूँ बैठो तो बैठो, यदि ऐसी पेरेंटिंग रही होगी बचपन से, तो वो पेरेंटिंग किशोरावस्था में बिल्कुल भी नहीं चल सकती है। हमें ज़रूरत है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल की, यानी कि कुछ बच्चे की और कुछ पेरेंट्स की, कोई बीच का रास्ता, बहुत कम्युनिकेट करके, यानी कि बातचीत और संवाद के माध्यम से बच्चों को समझाना। एक सर्टन एज आ जाती है जब हम बच्चों के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मारपीट करेंगे तो बच्चा जब किशोरावस्था में होगा तो वो पलट करके वार करने में चूकेगा नहीं। और ख़ास तौर से आजकल की जो जेनरेशन है वो दो बार भी नहीं सोचती है रिटेलिएट करने में। तो पेरेंट्स को या तो बचपन से पेरेंटिंग के बारे में जानना होगा, पढ़ना होगा कि हर स्टेज में हमें बच्चे के साथ किस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल देनी है, और खास तौर से किशोरावस्था में हम बच्चों के साथ कैसे डील करें घर में। तो बहुत ज्यादा यदि हम किसी भी रस्सी की वो गांठ बांध के खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। इस केस में भी कुछ ऐसा ही जो बच्चे का वर्बैटिम है, लगता है कि बहुत ज्यादा बच्चे में इम्पोजिंग पेरेंटिंग, जो अपनी बात को थोप देना होता है, वैसा कुछ रहा होगा और एडजस्टमेंट इश्यूज इस कारण रहे। जी बिल्कुल नाहिद अकील जी, किस तरह से देखती हैं आप सरकार को, किस तरह से अब कदम उठाना चाहिए कि जिस तरह तमाम स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं, मेंटल हेल्थ को भी लेकर के अवेयर किया जाए। देखिए, हमारे यहाँ मेंटल के मामले को लेकर के लोगों के अंदर बड़ा भ्रम है, या हल्का सा भी अगर कोई इश्यू होता है, जरूरी नहीं कि हर मेंटल केस 100% हो, 80% हो, किसी बच्चे में किसी चीज की थोड़ी सी भी कमी हो सकती है, तो वो नाम लेने से सारे लोग पागल घोषित कर देते हैं उसको। इवन परिवार में भी उसके साथ बिहेवियर बहुत गलत होता है। सोचने की जरूरत ये, किसी भी बच्चे के मन में कोई भी बात बैठ सकती है। अगर पेरेंट्स हैं, उनके दो बच्चे हैं और दोनों के बीच में प्यार का डिफरेंसेस है माँ बाप से, तो बच्चों के मन में बैठ गया, लेकिन वो पेरेंट्स उसको बहुत लाइटली लेते हैं, किसी को एकदम सिर पे चढ़ा देते हैं और किसी को एकदम इग्नोर कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जब बच्चे के मन में आती तो ये बचपन नहीं, ताउम्र उसके मन में बैठी रहती और वहीं से आपस में डिफरेंसेस पैदा होते हैं। वो कहाँ जाके रिएक्ट करेगा ये हम किसी को भी नहीं पता होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। तो एक तो पेरेंटेज की बहुत बड़ी जरूरत है जो हल्के में भारत में लिया जाता है। अभी मैं कह रही हूँ, छोटा सा बात आप लीजिए, मैम तो बैठी हुई, कलर को ले लीजिए, काला कलर गोरा कलर, तो इसको लेकर के अगर दो सिस्टर भी हैं तो परिवार में हर जगह जहां बच्चा जाए किसको पढ़ा, अगर फादर का कलर कम है तो यही लोग कोट करने लगते हैं, अरे फादर पे पढ़ा है, बच्ची के अंदर धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आता है और वो बढ़ते 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 माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है और जो कभी बन नहीं पाता है, लेकिन हम दूसरी तरीके से उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो नंबर वन, पेरेंट्स को अगर बच्चे पैदा किए हैं
हमारे यहाँ भारत में माँ को इतना बड़ा दर्जा दे दिया जाता है कि अरे माँ की ममता ऐसा उड़ा दिया जाता है। माँ भी इंसान होती है, माँ भी अपने बच्चों के साथ दोहरा व्यवहार करती है, किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है, किसी को कम आंकती है, तो इससे भी बच्चे के मन में असर पड़ता है। तो पेरेंट्स को अगर बच्चे पैदा किए हैं तो अपनी अच्छी पेरेंटेज उसको देना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, सरकार को अपना कंट्रोल करना चाहिए और बहुत जल्द इससे कोशिश कंट्रोल करना चाहिए कि इस तरह के गेम आखिर क्यों, 2 साल तो ऐसे ही बच्चे घर में बैठे रहे हैं और उनकी पढ़ने की आदत छूट गई है और अब जब स्कूल खुले हुए हैं 2 साल के बाद तो बच्चों का दिमाग वहां लगना चाहिए कि गेम में लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह के कितनी बड़ी कमी आप देखती हैं, जो हमारा आईटी सेक्टर है कितनी बड़ी कमी उसकी आप देखती है कि अभी भी ये इकलौता केस नहीं है जब सामने आया, हालांकि एक इकलौते केस को इतना हाइप नहीं देना चाहिए। आज इस चर्चे पे हम सिर्फ इसलिए मुद्दा लेके बैठे हैं कि पहले भी ऐसे तमाम केसेस आ चुके हैं जब बच्चे गेम को लेकर सुसाइड कर लेते हैं, गेम खेलते खेलते उनके इंसिडेंट कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, तो कितनी बड़ी लापरवाही ये हमारे आईटी सेल की आती है, हमारे गवर्नमेंट के सामने आ रही है कि इस तरह के गेम्स को अभी भी रोका नहीं गया, रोक नहीं लगाया गया, सिर्फ बातें कही गई कि रोक लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है। आखिर कहां से चूक है सिक्योरिटी में कि फिर भी ये बच्चे उस गेम को खेल रहे हैं? ये सरकार की सबसे बड़ी चूक है। अभी आप खाली गेम की बात ना की लीजिए, जो भारत में बच्चियों के साथ रेप केसेस इतना बढ़ रहे हैं या तरह तरह के इंसिडेंट जो ब्लू फिल्में चल रही हैं, जो पॉर्न फिल्में चल रही हैं, आज से बात हो रही है, जमाने से बात हो रही है कि उसको सरकार को बैन करना चाहिए, बैन करना चाहिए, लेकिन सरकार सुने तब तो, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। लेकिन बैन करने की बात कही जाती है, अभी बात जो पॉर्न मूवीज हैं, पॉर्न पिक्चर्स हैं, उनको बैन करने की बात कही गई थी, लेकिन ये फिल अवेलेबल कहाँ से होता है बच्चों को, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है। लगातार योगी सरकार ये कहती नजर आई थी कि बैन कर दिया गया है, जो ओपन करेगा उसको आईपी एड्रेस ट्रेस किया जाएगा, उसके बावजूद भी बच्चों को मिलते कहाँ से इस तरह के पिक्चर्स, कहाँ से प्रोवाइड होते हैं उनको? भाई जब आप बैन करेंगे तभी तो कंट्रोल होगा, तो पिक्चर कहाँ से मिलेंगे भाई? आज इंटरनेट पे क्या चीज नहीं है जी? हर बच्चे सबके अपने प्राइवेट रूम दिए जाते हैं, मकान सबके बड़े हैं, हैसियत बड़ी है, ये गरीब घर के बच्चे थोड़ी कर रहे हैं, वो अपने अपने कमरे में दिन भर बच्चे पैक हो जाते हैं, आउटडोर गेम से कोई मतलब नहीं, फिजिकल एक्सरसाइज से कोई मतलब नहीं है, दिन भर मोबाइल चलाते हैं, तो क्या इस पे पेरेंट्स की रोक नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार का इस पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए? दोनों की गलतियां हैं, किसी एक को मैं जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, जितनी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उसको बैन करने की, उतनी ही पेरेंट्स की जिम्मेदारी है अपने बच्चों पे कंट्रोल करने की। जी बिल्कुल। नेहानंद जी, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप इस चीज की देखती है कि जो बच्चों का स्कूल 2 साल बंद रहा, बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करी, उनको ज्यादा एक्सपोजर मिल गया, उनको सिस्टम मिल गया, उनको इंटरनेट मिल गया, उनको मोबाइल फोन मिल गया, बच्चों के आउटडोर गेम्स बंद हो गए। आज के वक्त में बच्चे आउटडोर गेम खेलने के बजाय सिस्टम इंटरनेट पे वक्त ज्यादा देते हैं, इन सब चीजों को कितना बड़ा जिम्मेदार देखते हैं और कितना इसका इफेक्ट बच्चों के मेंटल हेल्थ पे पड़ता है? देखिए, बहुत ज़्यादा कोविड के दौरान प्रेसिपिटेट हो गई हैं चीज़ें, और जो पेरेंट्स वाकई नहीं भी देना चाहते थे उनको भी मजबूरी में देना पड़ा, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, कोई भी स्क्रीन हो। अब मुद्दा ये है कि जब एक बच्चा स्क्रीन पे बैठता है और शायद 6-6, 7-7 घंटे का जो स्कूल चल रहा है या होमवर्क चल रहे हैं उस दौरान, तो एक रियलिटी और वर्चुअल वर्ल्ड में जो एक सामंजस्य की स्थिति होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, कॉन्फ्लिक्ट आ गया, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में अपना समय बिताने लगे। पेरेंट्स जो वर्किंग हैं खास तौर से, उनको ये मालूम है, क्योंकि मेरे क्लिनिक में जो केसेस आते हैं वर्किंग के साथ, एक दिक्कत ये आती है कि पेरेंट्स को ये मालूम है कि भाई स्कूल टाइम ख़त्म हो गया तो अब हमारा बच्चा उठेगा और वो बाकी की दिनचर्या में लग जाएगा, लेकिन ऐसा सुपरविजन नहीं हो पाता है, जिस वजह से बच्चे कंटिन्यूसली, अगर स्कूल का प्लेटफॉर्म ख़त्म हुआ तो उसके बाद गेम की वजह से बैठ गए या यूट्यूब के एक्सपोजर की वजह से बैठ गए या इंस्टा रील्स बनाने लगे। ये कुछ चीज़ें आज की डेट में हावी हो गई। ये जो 2 साल कोविड का पीरियड चला, ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था एक स्क्रीन यूजेज के लिए। अब इसमें एक और बड़ा मुद्दा ये है कि देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बैन होने के बाद भी चीज़ें बंद हो जाती हैं,
क्योंकि बहुत सारे हिडन प्लेटफॉर्म्स हैं आज की डेट में और बच्चे बहुत अच्छे से बहुत टेक सैवी हैं, उनको मालूम है कि कहाँ से कौन से प्लेटफॉर्म से हम हिडन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड कर सकते हैं ये एक फाइल और हम इसको इससे एक्सपोज हो सकते हैं। तो ये चीज़ें, हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि अगर कहीं एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि अगर ये किसी भी डिवाइस पे डाउनलोड हुआ है तो उसके लिए कार्यवाही या उसकी ट्रेसिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए पैरामीटर्स गवर्नमेंट को बनाना ज़रूरी है। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म बैन पूरी तरीके से कर दिया जाएगा और किसी और हिडन प्लेटफॉर्म पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, तो ये आज की जो एक ये मकड़ जाल है इंटरनेट का, इसमें नामुमकिन है। तो टेक सैवी होना अपनी जगह पे अच्छा है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अगर हम नेगेटिव ढंग से, ये हमारा खुद का एक हाइजीन हमें मेंटेन करना पड़ेगा। हम बच्चों की बातें कर रहे हैं, अगर जिस घर में पेरेंट बच्चे के सामने मोबाइल यूज़ कर रहा है और वो बच्चे से कहता है कि तुम मोबाइल यूज़ मत करो, तो बच्चे से सीधा जवाब क्या आएगा कि आप खुद तो यूज़ करते हैं और आप मुझे मना कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए पेरेंट्स को पहले खुद में डिसिप्लिन लाना होगा। घर के परिवेश में जब डिसिप्लिन आएगा, बच्चे जो देखेंगे वो एग्जैक्टली वही फॉलो करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ पे ऑल टुगेदर पैरामीटर्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक गवर्नमेंट के एंड पे होगा। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बैक टू बैक अवेयरनेस, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे न्यूज़ के माध्यम से हो, एडवर्टिजमेंट के माध्यम से हो, या जगह जगह शिविर लगाए जाएँ, छोटी छोटी जगहों पे लगाए जाएं। क्योंकि मैं जुविनाइल जस्टिस बोर्ड से जुड़ी हुई हूँ तो मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि जुविनाइल के जितने केसेस, जितने मुद्दे हैं, उसमें मोबाइल एक बहुत ही अहम फैक्टर है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, समय की कमी होने के कारण नाहिद अकील जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगी कि जिस तरह से ये घटना सामने आई है, आगे इस तरह की कोई घटना ना सामने आए, किस तरह के कठोर कदम उठाने चाहिए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, और जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है, उनको मजबूत बनाने के लिए। मुझे लगता है इसमें अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत है, सरकार तो जो कंट्रोल करे अवेयरनेस की, कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि मैं अवेयरनेस की जगह बता रही हूँ कहाँ कहाँ। आज क्या होता है कि अगर बच्चा छोटा है तो हर माँ बच्चे को मोबाइल दे देती है और मोबाइल बच्चा देखता रहता, तब उसी बहाने वो खाना खा लेता है। मैं एक नहीं दसियों घर की बात बता रही हूँ, मेरे घर में खुद मैंने ये देखा है कि माएं बच्चों को मोबाइल पकड़ा देंगी, उसमें वो गेम देखते रहेंगे और उसी के साथ साथ वो दूध पिला देंगी, खाना खिला देंगी, तो बच्चा खाता है और बिना मोबाइल के खाना ही नहीं खाता है। तो अगर जहाँ बच्चे प्रेगनेंसी के टाइम से ही माँ को ये बताना चाहिए कि जब हॉस्पिटल जा रहे हैं कोई भी एक बच्चा हो, पॉम्पलेट हो, पकड़ा देना चाहिए उनके जो कार्ड बनते हैं उनके साथ, कि ये एटीट्यूड बच्चे के साथ नहीं करेंगी। और सरकार को स्कूलों में भी अवेयरनेस होना चाहिए, क्योंकि जो छोटे क्लास से लेकर, मैं कहती हूँ 12th स्टैंडर्ड तक, लगातार बच्चों को इसके लिए अवेयर करना होगा कि ये कितना आपके लिए फायदेमंद है और कितना जरूरत है, कितनी जरूरत नहीं है, इसकी नुकसान कर सकता है, और इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है। माँ बाप की भी अवेयरनेस, बच्चों की भी अवेयरनेस, और जो डील कर रहे हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, टीचर है, सभी को ये अवेयर करने की जरूरत है कि आप इसको एक सब्जेक्ट मान के जहाँ भी आप क्लास में लें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, लेकिन ये सेक्शन जरूर लें आप। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सब्जेक्ट को, जो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ कोई भी एक सब्जेक्ट, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, पीटी इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है ऐसे क्लासेस भी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट कर देने चाहिए। बिकॉज टीवी में ये 10 बार ये आए ना, बच्चा देख रहा है, गवर्नमेंट अपनी ऐड दे कि ये हार्मफुल है, इसको नहीं यूज करना। ऐसा नहीं कि बच्चे कैच नहीं करते हैं, अगर कोई चीज बताई जाती है तो बच्चे उसको बड़ों से पहले कैच करते हैं, वो उसको फॉलो भी करते हैं। तो इसमें हर तरह से अवेयरनेस की जरूरत है, और जहाँ तक मशीनरी का सवाल है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो तमाम पॉलिटिकल मुद्दे और चुनाव जीतने के लिए इतने पैसे एडवर्टीजमेंट पे खर्च किए जाते हैं, सरकार को कहीं ना कहीं अब जरूरत है सख्त कदम उठाने के लिए बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए। निहानंद जी, एक फाइनल कॉमेंट मैं आपसे चाहूंगी, किस तरह से आज जिस तरह से हमारा युवा एक अलग दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है, किस तरह से जरूरत है उसको अवेयर करने की और हिंदुस्तान को
एक मजबूत हिंदुस्तान के लिए अपने बच्चों को और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ कठोर कदम उठाने चाहिए? देखिए, इसमें तीनों स्टेक होल्डर्स की बात मैं करूंगी। पेरेंट्स का अपनी तरफ से उनको ध्यान देना होगा, बचपन से ही बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़, वो मॉरल्स जो शायद कहीं पीछे छूट गए हैं आज की सदी में, वो फिर से दादा दादी नाना नानी की कहानियां और उन चीज़ों के ज़रिए पहुंचानी होंगी। दूसरा आता है स्कूल। स्कूल का बहुत अहम रोल है, जहाँ पे इस तरह के सेल्फ हेल्प डेवलपमेंट क्लासेस होने चाहिए, जिसमें ये सिलेबस में मुझे लगता है जो हम सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये लाइफ स्किल्स पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ बच्चे को खुद भी कैसे सर्वाइव करना है दुनिया में वो सीख पाए। और तीसरा आता है गवर्नमेंट के उस पर। तो कुछ डूज एंड डोंट्स गवर्नमेंट को ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जहां पे शायद बिना डर और बिना लॉ के कई बार कोई काम नहीं हो पाता है। जी बिल्कुल, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से मेंटल हेल्थ एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम बन गई है और बच्चे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे, कहीं ना कहीं अब सही वक्त आ गया है कि देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जिस तरह चुनावों के लिए तमाम पैसे एडवर्टीजमेंट पर खर्च किए जाते हैं, जिस तरह अपने एक छोटी सी योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए, सरकार बनाने के लिए तमाम पैसे खर्च किए जाते हैं, उसी तरह अब देश का जो युवा है, देश का जो भविष्य है, भविष्य बचाने के लिए सरकार को कठोर कदम उठानी चाहिए। फिलहाल आज की चर्चा को मैं यही रोकना चाहूंगी। धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।